फीड्स और सोचो इतनी जल्दी इतनी तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों अगर आप भी यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो या फिर अदर सोशल मीडिया यूज कर रहे हो राहुल है, तो आपने इसका नाम जरूर कभी ना कभी सुना ही होगा, क्योंकि अभी ये इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। इंडिया में अभी ओमिक्रॉन इतना सच नहीं किया जा रहा, इंडिया में अभी कोरोना इतना सर्च नहीं किया जा रहा, इवन इंडिया में अभी यूपी पंजाब के चुनाव इतने सर्च नहीं किए जा रहे, मोदी इतना सर्च नहीं किया जा रहा जितना कि पीयूष जोशी सर्च किया जा रहा है। तो आखिर है क्या पीयूष जोशी सर्च के पीछे, क्यों लोग उसको इतना सर्च कर रहे हैं, इसी बारे में गाइस हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो गाइस मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो वैसे जो पीयूष जोशी है वो सौरभ जोशी का भाई है, और सौरभ जोशी जो है अभी इस टाइम पे इंडिया का नंबर वन ब्लॉगर है। तो गाइस हुआ क्या कि पीयूष जोशी ने अभी पिछले मतलब जनवरी के स्टार्टिंग में ही यानी 2 वीक पहले अपना एक नया यूट्यूब चैनल ओपन करा, उसका नाम रखा पीयूष जोशी गेमिंग। अब भाई बात ऐसी हुई कि वो गेमिंग के लिए जो उसने पीसी खरीदा है, बाय किया है, वो बिल्ड करा था टैक बर्नर ने, और टैक बर्नर जो है इंडिया के टॉप टैक यूट्यूबर में से आते हैं। तो उन्होंने क्या था, एक वीडियो बनाई थी कि आई मेड पीसी फॉर पीयूष जोशी, तो वो वीडियो वहां पे वायरल हुई। इस चक्कर में लोग पीयूष जोशी के चैनल पे आए, ऊपर से क्या हुआ फ्लाइंग बीस्ट जो कि व्लॉगिंग चैनल है टॉप का, उन्होंने भी फोटो पोस्ट करी थी, और ऊपर से पीयूष जोशी का भाई सौरभ जोशी तो है ही नंबर वन व्लॉगर, तो उसने भी यहाँ पे पोस्ट करी। इस चक्कर में क्या हुआ पीयूष जोशी हर जगह पीयूष जोशी सुन के ना लोगों के माइंड में पीयूष जोशी बैठ गया और लोग पीयूष जोशी सर्च करने लगे। दोस्तों पीयूष जोशी को इतना ज्यादा सर्च किया गया और उसकी वीडियो को इतना ज्यादा देखा गया कि इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल का। अभी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है वो पीयूष जोशी का है, दुनिया में सबसे पहले ग्रो होने वाला यूट्यूब चैनल पीयूष जोशी। सोचो लोग कितना सर्च कर रहे हो, कितना देख रहे हो, कितना ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, मतलब क्या चल रहा है उसे सुन के ना लोगों के माइंड में पीयूष जोशी बैठ गया और लोग पीयूष जोशी सर्च करने लगे हर सोशल मीडिया पे, इतना सर्च करने लगे कि पीयूष जोशी का जो चैनल था ना वो पहले ही दिन में इतना तरक्की कर गया, मतलब क्या बताऊं मैं आपको उसकी पहली वीडियो पे, जबकि पहली वीडियो में गाइस कुछ भी ऐसा खास नहीं था। पहली में अपना बताया था कि मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है, इस पर हम गेमिंग करेंगे और ऐसे कुछ करने वाले हैं, सिर्फ यही बताया था, और वीडियो में कुछ भी नहीं था गाइस। उस वीडियो पे 10 मिलियन प्लस व्यूज गए, यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यू गए और 1.2 मिलियन लाइक्स, मतलब समझ रहे हो, पहली वीडियो पे 12 लाख लाइक। कल ही मैं बात कर रहा था कि 1 लाख व्यूज आ जाए पहली वीडियो पे, इतनी बड़ी बात होती है, यहाँ पे तो 1 लाख से भी ज्यादा लाइक आ रही है पहली वीडियो पे। यार क्या चल रहा है ये, इतना क्यों सर्च कर रहे हैं, क्यों इतने पकड़ा जा रहे हैं, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे इतनी सारी चीजें भी सर्च करी जा रही है पीयूष जोशी से रिलेटेड, कि मतलब बंदों को पता नहीं क्या इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज में, मतलब पीयूष जोशी ये, पीयूष जोशी वो, पीयूष जोशी का स्कूल, पीयूष जोशी गर्लफ्रेंड, पीयूष जोशी की एज वगैरह वगैरह, मतलब इतना कुछ सर्च किया जा रहा है, मतलब पीयूष जोशी कैसे पढ़ता है, पीयूष जोशी का स्कूल कहाँ है, पीयूष जोशी रहता कहाँ है, पीयूष जोशी के दोस्त कौन है, पीयूष जोशी के पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या, मतलब ऐसी ऐसी चीजें सर्च की जा रही है, मतलब हर चीज में पीयूष जोशी घुसा जा रहा है। और पीयूष जोशी एक ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक है इस टाइम पे कि जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहा है उसकी वीडियोस भी यहाँ पे चल रही है अच्छा खासी, और जो थोड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मतलब ज्यादा बड़े भी नहीं, जो बीच के यूट्यूबर हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ट्राई कर रहे हैं कि कैसा ना कैसा उनकी जो है सौरभ जोशी से बातचीत हो जाए या कुछ भी हो जाए, कि बस सौरभ जोशी जो है उनका एक बार नाम ले दे ताकि उनका चैनल भी यहाँ पे ग्रोथ हो जाए। सो गाइस मेरा तो पीयूष जोशी सुन सुन के ना माइंड खराब हो गया, मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए, क्योंकि आप भी शायद हो सकते हो कंफ्यूज हो पीयूष जोशी के चक्कर में। हाँ उसके चैनल पे विजिट करने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपका मन करे तो विजिट कर सकते हो गाइस, लेकिन कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं जितना बना रखा है इन्होंने, और मतलब क्या ही बोलूं मैं इस चीज के बारे में गाइस, बहुत कुछ हलवा बन चुका है तरीके से। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि यार ना कभी के बार ना बुरा लगता है इन चीजों को देख करके, कि मतलब कोई बंदा सालों से मेहनत कर रहा है उसका कुछ नहीं हो पाता, और कुछ बंदे इवन ये तो यार 11 साल का बच्चा है, छोटा सा बच्चा, पहली वीडियो पे इतना तगड़ा, पूरे यूट्यूब चैनल पे अभी से 2 हफ्ते हुए और 5-6 वीडियो आई है, और भाई अभी 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 3 मिलियन सब्सक्राइबर आम बात नहीं होती, बट वही है ना भाई, पहुंच सबसे बड़ी चीज होती है, पहुंच है भाई, भाई है जो इसका सौरभ जोशी, वो जो है कि एक सबसे बड़ा ब्लॉगर है इंडिया का, तो भाई वायरल तो होना ही है, ऊपर से बाकी यूट्यूबर भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यार इंडिया में ना ये चीजें ट्रेंड चलती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसे चलता ही रहता है और होता रहता है, क्या बोले आप। तो बस ये था पीयूष जोशी, और कुछ भी नहीं है, आप सर्च बिल्कुल भी मत करना, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो कर लेना, जैसे आप सर्च करोगे ऐसे बाकी लोग भी सर्च कर रहे हैं, इसलिए जो चीज है इतना ट्रेंडिंग में छा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए पीयूष जोशी के बारे में कि आखिर क्या है ये, और मतलब मेरे को तो
खैर छोड़ो यार। सो गाइस ये था आज की वीडियो में, तो आपको इस तरह की वीडियो कैसी लग रही है मेरे को बताना, जो ट्रेंडिंग में चल रहा होता है मैं आपसे वो शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को तो पता ही होता है, मेरे को लगा कि आपसे भी शेयर कर दिया जाए। तो आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगर आपको पसंद आ रही होगी तो मैं ऐसी वीडियो सबके लिए और लेके आऊंगा। और गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ऐसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारा भाई तुम्हारी ऐसी वीडियो चलाता रहेगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।